बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बलिया थाना क्षेत्र के पटेल चौक स्थित बीते दिनों अंडा दुकानदार पर कुछ अपराधियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त घटना का उद्भेदन करते हुए बलिया डीएसपी नेहा कुमारी ने प्रेस वार्ता कर उक्त घटनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 8 जून की संध्या अंकित कुमार के अंडा दुकान पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए बेगूसराय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया के नेतृत्व में बलिया थानाध्यक्ष राम कुमार सिंह, एसआई राजीव रंजन कुमार, विनीत कुमार, टाइगर मोबाइल, सशस्त्र बल आदि शामिल थे, जिसके बाद उक्त आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी टीम का गठन किया गया। इसके बाद उक्त घटना में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की देर रात्रि में एक टीवीएस अपाची बाइक पर सवार दो अपराधी को पुलिस ने एक देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने उक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा काफी पूछताछ के बाद अन्य साथियों के साथ मिलकर अंडा दुकान पर मोटरसाइकिल लगाने के लिए मना किया तो दुकानदार के साथ गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमले की नीयत से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर वार्ड संख्या 4 निवासी ललन पासवान का पुत्र सचिन कुमार के रूप में बताया गया। वहीं दूसरे भगतपुर वार्ड 6 निवासी सिकंदर यादव का पुत्र रंजीत कुमार के रूप में बताया गया है। वही उक्त आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हमारी बलिया पुलिस थाना को सूचना मिला कि पटेल चौक पे कुछ अपराधियों द्वारा अंडा दुकान अंकित कुमार के अंडा दुकान के सामने फायरिंग की गई है, जिसमें अंडा दुकानदार बाल बाल बच गया। इस संबंध में हमारी बलिया पुलिस थाना और एसएचओ के नेतृत्व में और एक एसआईटी टीम गठित करते हुए इस केस के उद्भेदन के लिए बड़ी छापेमारी की जा रही थी और आसूचना के आधार पर कल रात्रि में दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक का नाम सचिन कुमार और दूसरे का नाम रंजीत कुमार है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक देसी कट्टा और एक उस घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और थाना पे ला करके लोगों को पूछताछ किया गया तो इन्होंने पूछताछ में उस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है और बताया कि उस दिन अंडा दुकान के सामने बाइक लगाने को लेकर के दुकानदार के साथ मतभेद हुआ था, जिसमें दो लोग पहले से थे और ये लोग गुस्से में आकर के गए और तीसरा आदमी को उस बाइक पर बैठा करके लाए और अंडा दुकानदार पे फायरिंग करते हुए निकल गए, जिसमें अंडा दुकानदार बार बार बच गया था। ये दोनों का मैम कोई आपराधिक इतिहास भी है क्या? जिसमें से मेन अभियुक्त है जिसके द्वारा दुकानदार पे फायरिंग की गई थी सचिन कुमार, उसका पहले 2021 में बलिया थाना में और एक औद्योगिक थाना में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। कहाँ का रहने वाले? ये दोनों भगतपुर के रहने वाले हैं। भगतपुर के रहने वाले मैम, एक 1.5 किलोमीटर का मात्र बाजार है और एक ही पथ है, इसको दोनों साइड से क्यों नहीं, मतलब इसको ये किया जाता है पुलिस के द्वारा घेराबंदी क्यों नहीं रखी जाती है? लगातार लूट की घटनाएं भी होती हैं बलिया में। इस संबंध में हमारी टाइगर मोबाइल जो है हमेशा बाजार में मोबाइल रहती है, साथ ही हमारी दो जो 112 की गाड़ियां हैं उन लोगों का स्टैटिक पॉइंट भी बदल बदल के बाजार में ही उन लोगों को दिखाया गया है, उसके साथ ही हमारी गश्ती भी रहती है। तो ये सभी चारों हमारे टाइगर मोबाइल 112 की गाड़ियां और गश्ती टीम लगातार बाजार के आसपास ही रहती है। इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उस पर हमारी चौकसी रहती है और इस घटना का भी 4 दिन के अंदर ही सफल उद्भेदन किया गया है, इसके लिए हमारे पूरी पुलिस टीम बलिया थाना बधाई के साथ। आवेदक कौन रहे इस शिकायत के लिए? इस केस के उन पर गोली चलाई गई थी, अंकित कुमार रहा है, अंडा दुकानदार है। अंडा दुकानदार, कब की घटना है ये घटना? 8 तारीख की संध्या में घटित हुई।